हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज स्वराज कुमार वर्मा एंड टुडे वी विल बी डिस्कस क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन स्टैंडर्ड लिमिट। सो सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड लिमिट के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू जान लेते हैं। वैसे भी मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था स्टैंडर्ड लिमिट क्या होता है और हम लोग इसको कैसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको स्टैंडर्ड लिमिट्स बताया था जो ये है, और मैंने इसको अपने धांसू तरीके से आपको बताया था कि आप स्टैंडर्ड लिमिट को याद भी कर सकते हैं। या तो मेरा धांसू तरीका याद कीजिए या आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड लिमिट याद कर लीजिए, ठीक है। ज़्यादा बेनिफिट है मेरा धांसू तरीका, आप अगर याद रखेंगे तो आप इजीली किसी भी स्टैंडर्ड लिमिट से रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम होगा उसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि वीडियो को पॉज कीजिए, पहले सेल्फ ट्राई कीजिए, फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा और इसका आंसर निकाल लिए होंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, अब एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और इसको मैं दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा, अपने स्टैंडर्ड लिमिट के तरीके से और धांसू तरीके से, ठीक है। तो पहले हम जैसे फर्स्ट सवाल दिया हुआ है कि लिमिट एक्स टेंड टू जीरो साइन टू एक्स डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको स्टैंडर्ड लिमिट से सॉल्व करते हैं, फिर इसको हम अपने धांसू तरीके से सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो पहले इसका स्टैंडर्ड लिमिट क्या है, जैसे कि हमको पता है स्टैंडर्ड लिमिट एक्स टेंड टू जीरो साइन एक्स होल डिवाइड बाई एक्स क्या होता है, वन होता है, ओके। तो अगर हमको इस ओवरऑल क्वेश्चन को अगर हमको इसको स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे आप लिख दीजिएगा स्टैंड लिमिट एक्सटेंड में जीरो साइन टू एक्स होल डिवाइड बाई टू एक्स लिख दीजिए, ओके। मतलब कहने का अर्थ कि आप इसमें टू से मल्टीप्लाई किए हैं तो आपको मतलब नीचे वाले में टू से मल्टीप्लाई किया है तो आपको ऊपर वाला में भी टू से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आपको ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपका इसका मान क्या हो जाएगा, इसका ओवरऑल मान हो जाएगा आपका वन स्टैंडर्ड लिमिट के हिसाब से, ठीक है। तो वन इंटू टू क्या हो जाएगा आंसर आपका टू, ओके। तो इसका ओवरऑल आंसर आ गया आपका टू, ठीक है। ये तो हो गया आपका स्टैंडर्ड लिमिट के तरीके से, ठीक है। मैं अब आपको बताता हूँ अपने धांसू तरीके के मेथड से, आप धांसू तरीके से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे धांसू तरीके में क्या कहा था, एक मैं आपको पीछे रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने धांसू तरीके में बोला था कि जब ए टेंड टू जीरो मतलब अंदर वाला जो है जीरो को टेंड करेगा तो ये ओवरऑल को किससे रिप्लेस कर देंगे, इसको ए से रिप्लेस कर देंगे, मतलब अंदर वाले से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। उसी तरह हम लोग देखते हैं, देखिए एक्स टेंड टू जीरो है तो देखिए अंदर वाले को हम लोग एक्स टेंड टू जीरो कहते हैं, देखिए ये ओवरऑल किससे रिप्लेस कर रहा है, ये ओवरऑल जीरो को रिप्लेस कर रहा है, मतलब कि अब इस टोटल को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, टोटल को आप 2x से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। 2x से रिप्लेस कर दिए तो क्या हो जाएगा, 2x होल डिवाइड बाई x कितने बराबर हो जाएगा, x x कैंसिल आउट, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 2, जैसे कि मैंने दिखाया था, है ना। कामकाज धांसू तरीके, अब इसी तरह धांसू तरीके से आप इसका किसी भी स्टैंडर्ड लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बीच में डाला हुआ है, वो है e के पावर x, ठीक है। आप इसको धांसू तरीके से कीजिएगा तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन वो गलत मेथड है, ठीक है। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो गलत मेथड है, क्योंकि धांसू तरीके में e के पावर x वाला टर्म मैंने देखिए आपको नहीं लिखवाया है, देखिए मैंने आपको धांसू तरीके में कहीं भी e के पावर x वाला टर्म नहीं लिखवाया है, ठीक है। तो आप इसमें एक धांसू तरीके का यूज मत कीजिए, इसमें आप स्टैंडर्ड लिमिट का यूज कीजिएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड लिमिट हमको इससे रिगार्डिंग स्टैंडर्ड लिमिट हमको क्या पता है, इसके रिगार्डिंग हमको स्टैंडर्ड लिमिट पता है लिमिट x टेंड टू जीरो e के पावर x माइनस वन होल डिवाइड बाई x, इसका मान क्या हमको पता है कि वन होता है, जैसे कि मैंने आपको स्टैंडर्ड लिमिट समय स्टैंडर्ड लिमिट लिखवाया था उसमें मैंने ये भी बताया था कि e के पावर x माइनस वन ये होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या किया मैंने, क्वेश्चन में दिया है e के पावर 3x माइनस वन होल डिवाइड बाई x बाई टू, ठीक है। तो अगर नीचे 3x रहता तब हम उसको ओवरऑल को हम लोग वन लेके चले जाते, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, आप कीजिए कि 3x से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। तो ये आपका ओवरऑल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका ओवरऑल कन्वर्ट हो जाएगा वन में, ठीक है। बच जाएगा क्या, बचेगा आपका वन इंटू थ्री एक्स होल डिवाइड बाई एक्स बाई टू, तो एक्स बाई टू मतलब टू ऊपर चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या आपका आंसर सिक्स, ठीक है। तो आपको इस तरह इसका स्टैंडर्ड लिमिट सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आशा करते हैं कि आपने इसका भी आंसर निकाल लिए होंगे, तो ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन गिवन है तो सबको पता है कि मेरा धांसू तरीका कब लगता है, जब वो मल्टीप्लिकेशन का टर्म आता है। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन में पहले मल्टीप्लिकेशन का टर्म लाते हैं तब इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम लोग टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स लिख सकते हैं साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, जैसे कि मैंने लिख दिया है साइन डिवाइड कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ओके, ठीक है। जब यहाँ से साइन एक्स को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, वन डिवाइड कॉस एक्स क्या हो जाएगा, दिखा देते हैं यहाँ पर, साइन एक्स को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, वन डिवाइड बाई कॉस एक्स माइनस वन होगा, ठीक है।
जब cos x को हम लोग मल्टीप्लीकेशन करके एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x ऊपर चला जाएगा, कॉम 1 माइनस cos x, तो ये हो जाएगा ओवरऑल डिवाइड बाई एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे होने के बाद फिर हम लोग जब cos x को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, sin x डिवाइड cos x इंटू 1 माइनस cos x होगा, ठीक है। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया, देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे अब पता चल जाएगा कि आपको मल्टीप्लीकेशन का टर्म हम लोग कैसे इसको ला दिए, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, sin x होल डिवाइड बाई cos x इंटू एक्स क्यूब मल्टीप्लीकेशन विथ 1 माइनस cos x। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के साथ आ गया 1 माइनस cos x। तो जहाँ तक मैंने आपको बताया था कि जब भी मेरा 1 माइनस cos x मतलब कि जब भी ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के टर्म में आ जाता है तो वहाँ पे मेरा धातु तरीका यूज होता है। तो मैंने बताया था कि जब 1 माइनस cos x होता है, जब ये अंदर वाला जो है x टेंडिंग जीरो होता है, तो इसको ओवरऑल को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं ए स्क्वायर बाई टू, मतलब यहाँ इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर बाई टू से, ठीक है। तो इसको ओवरऑल को हम लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स मल्टीप्लीकेशन विथ एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है। तो इधर नीचे भी लिख देते हैं cos x, एक्स क्यूब को लिख दीजिए आप एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू ये जो टू है, ठीक है। क्यों लिख रहा हूँ वो अभी पता चल जाएगा आपको। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और जैसे कि हमको पता है कि स्टैंडर्ड लिमिट क्या होता है, साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स क्या होता है, हमको स्टैंडर्ड लिमिट से पता है कि साइन एक्स डिवाइड क्या होता है, वन होता है। तो ये आपका ओवरऑल क्या आ गया, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसका आपका ओवरऑल आ गया आपका यहाँ पे लिमिट एक्स टू जीरो वन डिवाइड बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू टू। जब कॉस एक्स एक्स टेन जीरो जाएगा, मतलब ये जब इसमें जीरो पुट करेंगे तो इसका मान क्या होता है, कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है। तो ये ओवरऑल मतलब क्या आ जाएगा, ये ओवरऑल आ गया आपका वन इंटू टू, मतलब आपका ओवरऑल ये आंसर आ गया इसका वन बाई टू, ओके। तो ऐसा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर, जो कि और भी इंटरेस्टिंग है, तो देखते हैं उसको। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक बार अपने धांसू तरीके का रिवाइज करा दूं, जहां पे मैंने एलन का टर्म का यूज किया था, ठीक है। तो ले चलते हैं आपको धांसू तरीके के पास। धांसू तरीके में मैंने बताया था कि जब एलन का टर्म हो और ए जो है वन को टेन करता है, तो एलन को ओवरऑल हम लोग कन्वर्ट करते हैं, मतलब एलन को हम लोग टोटल की टोटली क्या लिख सकते हैं, ए माइनस वन लिख सकते हैं, ठीक है। इसका हम लोग देखिए कितना बढ़िया यूज करने वाले हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि धांसू तरीका कितना इंपॉर्टेंट है लिमिट के लिए, ठीक है। तो जैसे कि ये है, इस जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ लॉग के प्रॉपर्टीज पता होगा आपको, आशा करते हैं कि वो प्रॉपर्टीज पता होगा, कि नहीं पता है तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि एल एन ए माइनस एल एन बी क्या होता है, एल एन ए माइनस एल एन बी होता है आपका एल एन ए बाई बी, ठीक है। तो उसी का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, एल एन फाइव प्लस एक्स माइनस एल एन फाइव माइनस एक्स, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल एन के प्रॉपर्टीज के हिसाब से इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग एल एन होल फाइव प्लस एक्स माइनस फाइव माइनस एक्स, ओके होल डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब ये अंदर वाला जो है वन को टेंड करेगा, तो ये ओवरऑल को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ए माइनस वन, मतलब ये ओवरऑल जो है उतना माइनस, मतलब कि मैंने बताया था कि जब ये टेंड इंटू वन होता है एल एन ए, तो जब ये अंदर वाला वन को टेंड करता है, तो इसको ओवरऑल को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए माइनस वन को, ठीक है। इसमें हम लोग पुट करके देखते हैं, तो देखिए एक्स टेन जीरो, जैसे एक्स टेन जीरो होता है ये जीरो ये जीरो, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, फाइव डिवाइड बाई, मतलब ये अंदर वाला किसको टेंड कर रहा है, वन को टेंड कर रहा है, मतलब कि हम लोग इस टोटल टर्म को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं अंदर वाला माइनस वन, मतलब अंदर वाला क्या है, यहाँ पे अंदर वाला है फाइव प्लस एक्स होल डिवाइड बाई फाइव माइनस एक्स, ठीक है। ये आपका अंदर वाला है माइनस वन, ये इसको लिख सकते हैं अंदर वाला को इससे रिप्लेस कर सकते हैं, ए माइनस वन से रिप्लेस कर दिए, ठीक है। तो हो जाएगा आपका होल डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। अब देखिए कितना इतना लंबा था सवाल था, उसको हम लोग धांसू तरीके से कितना शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको कैसे हम लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे, इसको जल्दी जल्दी हम लोग करके दिखाते हैं आपको। इसको कर दीजिए आप, इसको आप मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा फाइव प्लस एक्स माइनस फाइव प्लस एक्स, ओके होल डिवाइड बाई एक्स मल्टीप्लाई विथ फाइव माइनस एक्स, ओके। यहाँ से आपको फाइव फाइव कैंसिल आउट हो गया, लिमिट है सब लिमिट एक्सटेंड में जीरो पर चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका ऊपर बच जाएगा, आपको ऊपर बच जाएगा टू एक्स, लिमिट एक्सटेंड जीरो पे है, लिमिट एक्सटेंड जीरो टू एक्स होल डिवाइड बाई एक्स मल्टीप्लाई विथ एक्स फाइव माइनस एक्स, यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, ओवरऑल आपका क्या बच जाएगा, ओवरऑल आपका बच गया लिमिट एक्सटेंड इंटू जीरो टू डिवाइड बाई फाइव माइनस एक्स। अब एक्स टेंड जीरो की जाएगा, एक्स को जीरो को टेंड कराएगा, तो ये ओवरऑल क्या नीचे बच जाएगा, नीचे ओवरऑल बच जाएगा फाइव माइनस जीरो, मतलब कहने का कि आपका आंसर आ जाएगा टू बाई फाइव। तो देखिए कितना लंबा सा सवाल था, उसको हम लोग कितने इजी से दो से तीन सेकंड में, अगर आपको धांसू तरीके अच्छे से यूज करना आएगा तो दो से तीन सेकंड में आप किसी भी स्टैंडर्ड लिमिट को इजीली कन्वर्ट करके उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर धांसू तरीका कितना इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है आपको, ठीक है।
वो नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है लिमिट एक्स टेंड जीरो ई के पावर टेन एक्स माइनस ई के पावर एक्स होल डिवाइड बाई टेन एक्स माइनस एक्स। ठीक है, तो हमको स्टैंडर्ड लिमिट क्या पता है, ई के पावर एक्स माइनस वन होल डिवाइड बाई एक्स क्या होता है, वन होता है। ठीक है, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि इसको स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट कर दें या अपने धासु तरीके में कन्वर्ट कर दें, लेकिन मेरे धासु तरीके में ई के पावर एक्स का टर्म नहीं आता है। तो हम लोग जहाँ जहाँ ई के पावर एक्स का टर्म आता है वहाँ वहाँ हम लोग क्या ट्राई करेंगे, वहाँ पर हम लोग उसको स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, देखो इसको मैं आपको स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ क्या होगा, स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट करके देखता हूँ। लिमिट एक्स टेंडिंग जीरो, अगर इसमें से हम लोग ई के पावर एक्स कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा ई के पावर टेन एक्स और नीचे डिवाइड हो जाएगा ई के पावर एक्स, तो वो ऊपर चल जाएगा माइनस एक्स में। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस वन। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे मैंने कॉमन लिया और क्या किया। ठीक है, नीचे क्या है होल डिवाइड बाई टेन एक्स माइनस एक्स, और हमको जहाँ तक स्टैंडर्ड लिमिट क्या पता है कि लिमिट एक्स टेंड टू जब जीरो होता है और e के पावर x माइनस वन होल डिवाइड बाई x होता है तो इसका मान क्या होता है, वन होता है। मतलब कहने का कि यहाँ पे जो इसका पावर में रहता है वही अगर नीचे वाला पावर में रहता है तो ये स्टैंडर्ड लिमिट हो जाता है और उसका मान क्या होता है, वन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका पावर है टेन एक्स माइनस एक्स वही नीचे है सेम टू सेम। मतलब कहने का अर्थ कि आप इसको स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड लिमिट में इसको लिख सकते हैं, मैंने स्टैंडर्ड लिमिट के हिसाब से इसका मान हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका मान हो गया आपका स्टैंडर्ड लिमिट के हिसाब से वन। क्या आपका ओवरऑल क्या हो गया, आपका लिमिट एक्स टेंड इंटू जीरो ई के पावर एक्स इंटू वन। अब एक्स टेंड टू जीरो जब एक्स जीरो को टेंड करेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई के पावर जीरो, जिसका मान होता है किसी की पावर अगर जीरो हो, एग्जैक्ट जीरो हो तो उसका मान क्या होता है, वन। तो इसका मान हो जाएगा वन। तो ऐसे आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा करते हैं कि यह सवाल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपको यहाँ पर थोड़ा एक लॉजिक मतलब एक कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि ये जरूरी नहीं है कि आपको e के पावर एक्स ही होगा तभी वो स्टैंडर्ड लिमिट होगा, नहीं, आपको e के पावर में जो है वही टर्म आपको नीचे भी क्रिएट करना है तो वो स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, वो नेक्स्ट सवाल क्या है, वो नेक्स्ट सवाल ये है, पहले हम लोग इसमें देखेंगे ये कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म शो कर रहा है। ठीक है, तो एक्स टेंड टू वन पे क्या ऊपर वाला हो जाएगा जीरो, नीचे वाला भी हो जाएगा जीरो, तो यानी ओवरऑल ओवरऑल क्या है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। ठीक है, जीरो बाई जीरो इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग अपने धासु तरीके से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, अगर ये ओवरऑल ये अंदर वाला जब जीरो को टेंड करेगा तो ये ओवरऑल जो टर्म होगा ये ओवरऑल एक्स माइनस वन से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार कि वो जीरो को टेंड करेगा कि नहीं, तो देखते हैं एक्स बराबर वन रखने पर क्या होता है, वन माइनस वन यानी जीरो, यानी अब ओवरऑल ये जीरो को टेंड कर रहा है। मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग ओवरऑल ऊपर वाले को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन, नीचे वाला को भी उसी तरह। अब एक्स स्क्वायर वन माइनस स्क्वायर वन क्या हो जाएगा, वन। तो इसका आंसर हो गया आपका वन। उसी तरह सेकेंड सवाल को हम लोग ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पहले मैं अपना दसो तरीका बता दे रहा हूँ कि जब टेन ए होता है, अगर ए जो होता है जीरो को टेन करता है तो ओवरऑल किसको टेन कर जाएगा, ये ए को टेन कर जाएगा। ठीक है, सेम लॉजिक हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं ये कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो पहले हम लोग इसमें जीरो रखेंगे, थ्री रखेंगे तो क्या होता है, थ्री माइनस थ्री जीरो, साइन जीरो क्या होता है जीरो, टेन जीरो जीरो, मतलब ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो। मतलब ये ओवरऑल कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया, जीरो बाई जीरो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म है, फिर उसको उसका लिमिट सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उस पर देखेंगे कि ये अंदर वाला होल अंदर वाला जो है किसको टेंड कर रहा है, देखते हैं कि ये जीरो को टेंड कर रहा है कि नहीं। ठीक है, थ्री माइनस थ्री जीरो, साइन जीरो जीरो, मतलब ये जीरो को टेंड कर रहा है, मतलब इस टेन ए को ओवरऑल हम ए से रिप्लेस कर देंगे। तो इसका ए यहाँ पे क्या है, इसका यहाँ पे ए है, लिमिट लगा लीजिए आप, लिमिट एक्स टेंड टू थ्री, इसका यहाँ पे एन है साइन एक्स माइनस थ्री होल डिवाइड बाई एक्स। सेम लॉजिक फिर से हम लोग यहाँ पे एक बार और धासु तरीका का यूज करेंगे। फिर से पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे फिर से जीरो बाई जीरो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है कि नहीं, उस पर धासु तरीका लगाएंगे। ठीक है, फिर से देखते हैं एक बार, थ्री रखेंगे तो थ्री माइनस थ्री जीरो, साइन जीरो जीरो और एक्स को जीरो, मतलब फिर से आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। मतलब हर एक स्टेप में आपको चेक करते जाना है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर ये आपको आदत में रहेगा तो जब आप एल हॉस्पिटल रूल पढ़ेगा वहाँ पर इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि अगर ये अंदर वाला जीरो को टेंड करेगा तो इस ओवरऑल को हम लोग एक्स माइनस थ्री से रिप्लेस कर देंगे। देख रहे हैं, तो एक्स टेंड जीरो रखिएगा तो एक्स टेंड थ्री रखिएगा, थ्री माइनस थ्री जीरो, मतलब साइन जीरो जीरो हो जाएगा। मतलब कि आपको कहने का कि अंदर वाला जीरो को टेंड करें, मतलब ऊपर वाले को आप एक्स माइनस थ्री से रिप्लेस कर सकते हैं, नीचे वाला भी एक्स भी होगा। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड इन टू थ्री, जब एक्स टेंड थ्री रखिएगा तो ऊपर वाला जो होगा थ्री माइनस थ्री, नीचे वाला थ्री, यानी ऊपर वाला हो गया आपका जीरो, नीचे वाला थ्री हो गया। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये ओवरऑल आपका क्या आ गया, जीरो, एग्जैक्ट जीरो डिवाइड बाई थ्री क्या हो गया, जीरो। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, इस पर आप दोनों क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का। ठीक है,
तो जब आप फंक्शन चैप्टर पढ़िएगा वहाँ पे आपको आप पढ़े होंगे तो साइन इन एक्स होल डिवाइड बाई एक्स जो होता है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका मान आता है जीरो। ओके तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं उसी के हिसाब से। तो जैसे कि हम लोग लिमिट बाहर लगा है, हमको पता है जब फंक्शन चैप्टर हम लोग पढ़े थे वहाँ पे इस साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है जीरो होता है, मतलब लिमिट एक्स टेंड टू जीरो जीरो का मान क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, वहीं अगर लिमिट जो है अंदर चला जाएगा मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर का अंदर चला जाए तो पहले हम लोग लिमिट सॉल्व करेंगे। लिमिट सॉल्व करेंगे तो ये कौन सा फॉर्म है जीरो बाई जीरो फॉर्म है और हमको स्टैंडर्ड लिमिट भी पता है कि लिमिट एक्स टेंड जीरो साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स क्या मानता है इसका मान होता है वन मान होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन क्या हो जाएगा ये वन। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है सेम्स वाले, सिर्फ अंतर क्या है कि एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है अंदर चला गया एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है बाहर चला है तो कितना उसमें डिफरेंस हो जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग और भी सवाल की प्रैक्टिस करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें चेक करेंगे कि कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म ये शो कर रहा है, तो कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म शो करेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले इसको हम लोग एक बार सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो साइन एट एक्स होल डिवाइड बाई कॉट थ्री एक्स को क्या लिख सकते हैं टेन थ्री एक्स। ठीक है, फिर इसमें आप एक्स टेंड जीरो लगाएंगे तो साइन जीरो जीरो नीचे टेन जीरो जीरो, मतलब ये जीरो बाई जीरो इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। ओके, कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म है जीरो बाई जीरो इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अपना धासु तरीका भी यूज कर सकते हैं और स्टैंडर्ड लिमिट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड लिमिट को मैं पहले यूज करके दिखा देता हूँ। तो साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स होता है, यहाँ पे एट एक्स है तो नीचे क्या कीजिए एट एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी एट एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, उसी तरह नीचे क्या है टेन थ्री एक्स है तो नीचे भी थ्री एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी थ्री एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो एक बार क्या हो जाएगा ये साइन एट एक्स होल डिवाइड बाई एट एक्स जो होगा ये वन को टेंड कर जाएगा, उसी तरह टेन थ्री एक्स और ऊपर से लेकर टेन थ्री एक्स ये भी वन को टेंड कर जाएगा, मतलब ये वाला भी लेके आपको वन को टेंड कर जाएगा। ठीक है, बच जाएगा क्या, बच जाएगा आपका ऊपर एट एक्स नीचे बच जाएगा थ्री एक्स, मतलब एट एक्स 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 कैंसिल आउट होगा, मतलब बच जाएगा आपका आंसर एट बाई थ्री। आप ऐसे भी कर सकते थे या अपना मेरा धासु तरीका भी यूज कर सकते हैं। धासु तरीका क्या यूज करते हैं हम लोग कि एट एक्स देखते कि अगर ये जीरो को टेंड करा तो ये ओवरऑल को हम लोग ए से रिप्लेस कर देते हैं, वही बात सेम बात होता है। ठीक है, इसमें हम लोग स्टैंडर्ड लिमिट का भी यूज कर सकते हैं और धासु तरीका यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं धासु तरीका का यूज करके दिखाता हूँ आपको। तो पहले मैं क्या चेक करूँगा, पहले मैं चेक करूँगा कि कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म शो कर रहा है। ठीक है, तो कॉस जीरो क्या होता है वन होता है, तो वन माइनस वन जीरो नीचे भी जीरो, तो ओवरऑल ये कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म हो गया, ये जीरो बाई जीरो इंडिटरमिनेंट फॉर्म हो गया। ठीक है, तो पहले आप आदत में बना लीजिए कि आपको पहले चेक करना है ये कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, उसके बाद हम लोग इसको चेक कर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था धासु तरीके में वन माइनस कॉस ए जो होता है अगर ये अंदर वाला जो है ये जीरो को टेन करता है, अगर ये अंदर वाला है जो जीरो को टेन करता है तो इस ओवरऑल टर्म को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं ए स्क्वायर बाई टू से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सेम लॉजिक मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ कि लिमिट एक्स टेंड जीरो है जब ये अंदर वाला जीरो को टेंड करेगा तो ये ओवरऑल को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर बाई टू, मतलब कि ये फाइव एक्स द होल स्क्वायर बाई टू से रिप्लेस कर देंगे। देखते हैं पहले ये, तो फाइव एक्स में अगर हम लोग जीरो पुट करेंगे एक्स टेंड जीरो तो ये किसको टेंड करेगा जीरो को टेंड कर रहा है, यानी हम इस ओवरऑल को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इस ओवरऑल को हम लोग फाइव एक्स का होल स्क्वायर बाई टू से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ मैं नीचे लिख के दे देता हूँ आपको क्या हो जाएगा, तो 5x का होगा तो 25x स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे और नीचे क्या है ऑलरेडी मेरे पास नीचे 3x स्क्वायर है। ठीक है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या आपको बच जाएगा 25 होल डिवाइड बाई 6। ठीक है, ये आपका ओवरऑल बच जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 6। सेम लॉजिक हम लोग अगले सवाल में यूज करेंगे जहाँ कि मैंने अभी आपको क्या क्या चीज़ सिखा दिया, मैंने आपको सिखा दिया रेशनलाइजेशन सिखा दिया डबल रेशनलाइजेशन सिखा दिया, उसके बाद स्टैंडर्ड लिमिट को सॉल्व करना सिखा दिया, उसमें मैंने आपको धासु तरीके यूज किया। तो मैं अब थोड़ा सा सबका कॉम्बिनेशन लेकर चलूंगा इस क्वेश्चन में ताकि आपको अच्छे से सबका प्रैक्टिस होते रहे। ठीक है, सबसे पहले इस सवाल में हम लोग क्या चेक करेंगे, पहले चेक करेंगे कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। ठीक है, तो एक्स टेंड टू जीरो है तो टेन जीरो जीरो हो जाएगा, वन बच जाएगा तो रूट वन माइनस रूट वन क्या हो जाएगा जीरो, नीचे भी जीरो, मतलब ये ओवरऑल कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म हो गया जीरो बाई जीरो इंडिटरमिनेंट फॉर्म का। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर हमारा प्लस वाला टर्म जाएगा वन प्लस टेन एक्स प्लस वन प्लस साइन एक्स, नीचे क्या आ जाएगा सेम लॉजिक वन प्लस टेन एक्स प्लस वन प्लस
साइन एक्स। ठीक है, तो हमको एक फार्मूला पता था, मैंने पिछले क्लास में भी रिविजन कराया था कि जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वहीं देखिए यहाँ पे ये a माइनस बी है और ये क्या है, a प्लस बी है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब कहने का ये लिमिट x टेंडिंग 0 ऊपर वाला क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी, मतलब ऊपर वाला हो जाएगा ए वन प्लस टेन रूट, इसका रूट होगा इसका जब होल स्क्वायर होगा तो रूट रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच जाएगा वन प्लस टेन एक्स। ठीक है, माइनस इधर बच जाएगा वन प्लस साइन एक्स। ओके, नीचे बच जाएगा ये एक्स क्यूब इंटू ये ओवरऑल टर्म। ठीक है, इसमें ये मल्टीप्लीकेशन का टर्म है तो हम लोग इसमें एक्स टेंड जीरो पुट करके देख लेते हैं तो क्या होगा, एक्स टेंड जीरो करेंगे तो ये टेन जीरो जीरो रूट वन हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा रूट वन, मतलब रूट वन प्लस रूट वन क्या हो जाएगा, वन का रूट वन क्या मान क्या होता है वन होता है, तो वन प्लस वन क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, तो नीचे अब आपका ओवरऑल टू बच जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए अगर ऊपर वाला को हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन वन कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ऊपर क्या, ऊपर आपका बच जाएगा टेन एक्स माइनस साइन एक्स। ओके, होल डिवाइड में नीचे क्या हो जाएगा टू एक्स क्यूब। ओके, अब देखिए हमको अपना धांसू तरीका कब यूज करना है, हमको अपना धांसू तरीका तब यूज करना है तब जब मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन के फॉर्म में हो। ठीक है, तो ऐसा एक सवाल की प्रैक्टिस मैंने अभी अभी कराया है। ठीक है, जिसका मान मैंने निकाला था, इसका मान मैंने निकाला था टेन एक्स माइनस साइन एक्स होल डिवाइड एक्स क्यूब का मान मैंने निकाला था वन बाई टू, तो यानी क्या हो जाएगा वन बाई टू इंटू वन बाई टू, मतलब ओवरऑल आपका मान क्या हो जाएगा, इसका थोड़ा सा आप वीडियो के ऊपर चला गया होगा, तो इसका मान आपका हो जाएगा वन बाई फोर। ऐसा करते हैं कि आपको अच्छे से